केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा व विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, रामविलास पासवान बिहार ही नहीं बल्कि देश के नेता थे। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मानसिक उपचार के बारे जानकारी देने के लिए मनाया जाता है ये दिन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने की अपील। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक वस्तु और सेवा कर GST रिटर्न भरने की तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई। वित्त मंत्रालय ने विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का करदाताओं से किया आग्रह। प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल से जल मुहैया करवाने की उपलब्धि प्राप्त कर देश का पहला हर घर जल राज्य बना गोवा। 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी करवाया गया उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत ने प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की है शुरू। पाकिस्तान के दूरसंचार प्राधिकरण ने चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध। पीटीए के अनुसार वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन पर अनैतिक और अश्लील सामग्री के खिलाफ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें आने के बाद लगाया गया ये प्रतिबंध। बांग्लादेश में भारतीय वीजा सेवा शुरू। इसके तहत चिकित्सा, व्यवसाय, रोजगार, प्रवेश, पत्रकार श्रेणी के ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सेवाओं को किया गया शुरू। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हुई। पिछले 24 घंटों से 82,000 से अधिक रोगी महामारी से हुए स्वस्थ। अब खबरें खेल जगत से। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स फाइनल में आज अमेरिका की सोफिया केनिन का मुकाबला पोलैंड की ईगा श्वियातेक से। श्वियातेक फ्रेंच ओपन फाइनल में पहुंचने वाली पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी बनी। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल राफेल नाडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से होगा।